पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने दो कुख्यात वाहन चोर पकड़े। एक ही हुलिये में लगातार वाहन चोरी करने की वजह से पकड़े गए दो शातिर वाहन चोर। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने दो कुख्यात वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो उत्तर प्रदेश के संभल से आते और बाइक चुराकर संभल ले जाते थे। लगातार एक ही हुलिये में वाहन चोरी करने की वजह से पेट्रोलिंग करती पुलिस ने दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर चार बाइक भी बरामद की गई है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में लगातार वाहन चोरी की वारदात की शिकायत के बाद पूर्वी जिला पुलिस एसीपी मयूर बिहार की देखरेख में एसएचओ पांडव नगर थाने की टीम गठित की गई और जांच शुरू की गई। आसपास लगे सीसीटीवी और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि दो शख्स जिसमें एक व्यक्ति कुर्ता पहने हैं और दाढ़ी बड़ी हुई है, यही दोनों बार बार वारदात के स्थान पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच की और रात में पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी। रात के समय ईआरबी पर पेट्रोलिंग कर रहे हेड कांस्टेबल दीपक व सिपाही अशोक ने बिना नंबर की बुलेट बाइक पर सवार दो लोगों को संदिग्ध मानते हुए रोका और पूछताछ की, लेकिन दोनों शख्स जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद सीसीटीवी में कैद हुए कुर्ता पजामा और दाढ़ी वाले चोर को दोनों पुलिसकर्मी ने पहचान लिया और मौके पर ही चोरी की बाइक के साथ दबोच लिया। कुख्यात वाहन चोर की पहचान मोहम्मद सलीम 58 वर्ष व फैजान 19 वर्ष के रूप में हुई है। सलीम पर पहले से ही चोरी के 18 मामले दर्ज है, वहीं सलीम पर भी चोरी के 4 मामले पहले से दर्ज है। आरोपी संभल जिले के रहने वाले हैं। कुख्यात चोरों ने पूछताछ में बताया कि दिल्ली से गाड़ी चुराकर उत्तर प्रदेश के संभल में ले जाकर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।